गाइस अभी हम पहुंचे कुछ का लोकेशन पर। गाइस कुछ बाहर एक बाहर से कैपिटल मॉल का मॉल है जो कि फाइनली पहुंच चुके हम कैपिटल मॉल भिवाड़ी। यहाँ एक अंकल जी बैठा उन्होंने उतना खास नहीं है गाइस, इतना कुछ हमारा पेंटागन मॉल या फिर देहरादून का कैसिंग मॉल है। इस प्रकार आखिरी वीडियोज हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद मेरा बोल बैठा अलग मिला कैपिटल मॉल है जिसका मैंने लोकेशन या फोटो देखा था। गाइस पूरी रात हो चुकी है और अभी हम पहुंचने जा रहे हैं, मतलब अपनी कमरे की गली के बाहर पहुंच चुके हैं अभी हम। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम अमित, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की हमारी तैयारी है भिवाड़ी, पास में ही पड़ता वहाँ मॉल है, वहाँ हमें जाने की तैयारी है। जा तो अकेले रहा हूँ अभी, भाई लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, अभी अकेले जा रहा हूँ मैं। तो देखते वीडियो में क्या होता है, किस प्रकार के जो मॉल हैं यहाँ के, क्योंकि हर जगह इतने मॉल थे हमने सब घूम लिए हैं। हम जा रहे हैं राजस्थान के मॉल में, भिवाड़ी पास में पड़ता है वहाँ मॉल है, कैपिटल मॉल का नाम है। तो चलते फिर घर से आगे की तरफ और दिखाते हैं किस प्रकार का मॉल है आज, मतलब क्या क्या मॉल में है सब दिखाएंगे वीडियो में। वीडियो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फिर चलते फिर घर से आगे की तरफ। यहाँ से पहले हम जाएंगे ऑटो स्टैंड टफो कड़ा, फिर वहाँ से जाएंगे हम भिवाड़ी मॉल। गाइस कुछ का मॉल देखा यहाँ, कल परसों बारिश आई जिस कारण देखिए यहाँ, यहाँ हम दोस्त के रूम पे आए हुए हैं, यहाँ एक कपड़े धो रहा है एक, और पास में देखिए यहाँ ट्रक पार्किंग हो रहा है और वहाँ देखिए अब किस जगह पूरा पानी पानी भरा हुआ है। देखिए कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ सूखा सा पड़ा हुआ और एक दिन बारिश है इस कारण पड़ते ना पूरा गीला गिलास हो गया। हाँ देखिए पूरा स्विमिंग पूल बन गया वहाँ। जैसे अभी हम आए अपने दोस्त के रूम पर, ये मेरा दोस्त एक और एक यहाँ पे जो कपड़े डाल रहा है, उसने कपड़े धोए अपने क्लिपर लगा रहा है कहीं कपड़े उड़ना जाए। इनको बोल रहा हूँ कि चलो घूमने, गाइस बिल्कुल देखिए सबसे को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम जाएंगे घूमने। देखिए इसको यार, ये क्या है कार्टून, तीन लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, अब आखिर जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं टप्पूगढ़ा चौक से, ऑटो में बैठ कर मॉल की तरफ। कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है, धूप तो है नहीं आज, बहुत ही बेहतरीन सा व्यू आ रहा है और ऑटो में इतनी भीड़ है कि आपको दिखाते हैं भीड़। देखिए किस प्रकार भीड़ है, अंकल जी ने आगे भी तीन लोग बिठा रखे हैं, चौथा लोग खुद हैं। और कुछ इस प्रकार का माहौल है, मोटो ब्लॉगिंग तो हो नहीं पाती। अब ऑटो से हम अपनी वीडियो की शुरुआत और आपको नए नए कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस अभी हम पहुंचे कुछ लोकेशन पर, अभी हम जा रहे हैं आगे तरफ, देखते हैं कहाँ पे मॉल है। ऑटो वाले ने काफ़ी पीछे छोड़ा था, अब मैप के जरिए हम जा रहे हैं अपने कैपिटल मॉल की तरफ। और दिखा था कुछ काफ़ी अंधेरा हो गया, शाम हो गई मतलब बादल लगे हैं, धूप तो आ नहीं रही है, बादल लगे हैं, समथिंग 6:30 ऊपर हो चुके हैं टाइम। तो पहुँचते हैं मॉल और दिखाते आपको सब कुछ, वीडियो बनी रही है। मॉल का इस जा रहे हैं आगे की तरफ, इस साइड पे दिखा रहा है कैपिटल मॉल की साइड पे है, तो जा रहे हैं उस साइड पे। मौसम देखिए आपको किस प्रकार के शाम होता है। गाइस हम मॉल पर पहुँचने वाले हैं, मतलब थोड़ा ही आगे आखिर का टर्न आगे से, वहाँ से हम जाएंगे अपने कैपिटल मॉल भिवाड़ी। तो अंदर जाएंगे, दिखाएंगे आपको सब कुछ वीडियो में किस प्रकार मॉल है। काफ़ी पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, बिल्कुल पूरा पसीने से गीला हो चुका हूँ मैं। मौसम ऐसा है, मौसम मेरा बंद हो रखा है, धूप तो लगने दी लेकिन जो उमस टाइप की बहुत लग रही है, क्योंकि बारिश भी आ रही है फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है बारिश का, कि गर्मी ना दिखा इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हल्की फुल्की बारिश थोड़ा बहुत फर्क हुआ है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा है। चलते फिर आगे मॉल की तरफ, इस पर मॉल है, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड के लिए। कहीं से कुछ बार एक बाहर से कैपिटल मॉल हमने ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने जहाँ पोस्टर लगाया है वहाँ पूरा फाड़ रखा है उन्होंने, जहाँ की हाँ लिखा हुआ होता है कैपिटल मॉल वहाँ उन्होंने पूरा फाड़ रखा है, पता नहीं क्यों फाड़ रखा है यहाँ पे। अब चलते अंदर और दिखाता हूँ कुछ अंदर। गाइस कुछ इस प्रकार का मॉल है जो कि बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ मैं, और चारों तरफ से कॉल कर रहा हूँ 360 डिग्री एंगल में,
इस प्रकार अब ऊपर जाते हैं, यहाँ दुकान और शॉपर लगी हुई हैं, और यहाँ नीचे भी फ्लोर है क्योंकि यहाँ नीचे सीढ़ी लगी है। सीढ़ी में पूरा कपड़े कपड़े का मॉल है भाई, बहुत बड़ा मॉल है। ठीक है फाइनली पहुँच चुके हम कैपिटल मॉल भिवाड़ी। कुछ इस प्रकार है, यहाँ सीढ़ियाँ से लगी हुई लेकिन सीढ़ियाँ खराब है भाई, पैदल चलना पड़ेगा इन पर अभी। ये खुद चलने वाली सीढ़ी पे हम आज खुद चल रहे हैं, हमें वो नहीं चला रही है। इस प्रकार का भाई सा माहौल, और हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, इससे भी एक दो फ्लोर और ऊपर हैं। यहाँ गाइस अनिक राय शॉप लगी हुई है, देखें जूतों वगैरह की शॉप है। ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है गाइस, इतना बड़ा हमारा हरिद्वार का पेंटागन मॉल है, उससे छोटा है ये, क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ है। यहाँ देखिए सूट वगैरह लगी हुई हैं, मतलब ज़्यादा यहाँ कपड़ों का कलेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ मसाज वगैरह कर सकते हैं आप, करवा सकते हैं मसाज वगैरह करवाने वही, और ज़्यादातर यहाँ कपड़े देते हैं कुछ इस प्रकार गाइस। यहाँ देखिए व्यू, और मैं आया हूँ सेकंड फ्लोर पर, यहाँ से कोई व्यू दिखा रहा है। होटल चेकआउट पर गाइस, रेस्टोरेंट है यहाँ एक जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड लग रहा, और कुछ प्रकार का व्यू आ रहा है नीचे का। यहाँ एक अंकल जी बैठा था उन्होंने। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मेगा स्टोर पे, जहाँ कि सामान वगैरह मिलते हैं, बर्तन वगैरह और कपड़े भी हैं। यहाँ ज़्यादा खाने के सामान वगैरह हैं, देखा किसी बार लोगों की भीड़ लगी हुई यहाँ। और अब हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ मूवी थिएटर भी है, जाके मूवी टिकट मिलती है, कुछ इस प्रकार का व्यू है। गाइस अभी भी हम घूम ही रहे अपने कैपिटल मॉल में, उतना कुछ दिखाने लायक है नहीं है, मुझे उतना खास लगा नहीं। हम नीचे स्टोर में गए थे जहाँ खाने वगैरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, कपड़े वगैरह लायक हैं, वरना यहाँ तो सारे लेडीज़ वगैरह कपड़े लगे हुए हैं। यहाँ लिफ्ट भी है, उतना खास नहीं है गाइस जितना कुछ हमारा पेंटागन मॉल या फिर देहरादून का फैसिंग मॉल है। देहरादून फैसिंग मॉल में गए नहीं आज तक, लेकिन जाएंगे कभी दिखाएंगे आपको अभी, मतलब क्या चेंज है यार वहाँ आरिस में। पेंटागन और इसमें बहुत चेंज है, इस पेंटागन में काफ़ी कुछ आप मतलब यहाँ कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा। जो स्टोर था वो बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में, यहाँ से सीढ़ी लगी नीचे के लिए, यहाँ देखिए आप, फिर नीचे है स्टोर, पता नहीं चलता कहाँ है। यहाँ कोई एप्पल स्टोर या फिर क्रोमा का स्टोर नहीं है, ट्रेडर्स वगैरह है सिर्फ कपड़ों के, मतलब हाथ नहीं चल रहेगा इसमें, ताकि काफ़ी कुछ ठंड लग होगा, फिर आपको सब कुछ दिखाएँ वीडियो में। तो हम इस ब्लॉग को भी क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो है कि ब्लॉग क्लोज़ रूम पे करूँ मैं यहाँ से। तो अब चलते हैं फिर रूम से, यहाँ से सब कुछ निपटा कर उन्होंने पूरा घूम लिया है, खास नहीं था, तो चलते हैं फिर घर। अब यहाँ से काफ़ी दूर पड़ने वाला है, मैक्सिमम 15-20 किलोमीटर है रूम से इधर आया हूँ अकेले, साथ कोई है नहीं, पहली बार हूँ कहीं खो ना जाऊँ। तो चलते फिर घर, फिर मिलते हैं दोबारा किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, मिलेंगे गाइस हम, चलते फिर उनकी तरफ। गाइस यहाँ सीढ़ियाँ चकड़ करो, चलती तो है नहीं सीढ़ियाँ, अभी नहीं पैदल चलना पड़ रहा। देखिए यहाँ कोई कोई थोड़ा सा सीढ़ी लगा रखी, लेकिन ऑन नहीं है इनमें से कोई भी, कोई कोई ऑन है लेकिन कहीं हम पैदल जाना पड़ रहा है। इस प्रकार आखिरी वीडियोज हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ से, हम चल रहे हैं एग्जिट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर ज़्यादातर कॉस्मेटिक सामान है, लेडीज़ वगैरह काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन जेंट्स का इतना सामान नहीं है। बाहर पहुँच चुके हैं, आप चलते ऑटो स्टैंड, ऑटो ढूंढते हैं और रूम निकलते हैं। तो अभी हम रोड पे आ चुके हैं, पीछे रहा वो मॉल है कैपिटल मॉल, उसका मैंने पूरा बोल बैठा रखा, अलग मिला कैपिटल मॉल है, जिसका मैंने लोकेशन या फोटो देखा था वहाँ बिल्कुल उसको लिखा रहा था, दिखा हुआ था कैपिटल मॉल, लेकिन इसे कुछ दिख नहीं रहा है लिखा हुआ,
अब ऑटो पकड़ते हैं और निकलते हैं रूम की तरफ। इसी प्रकार था हमारा आज का मॉल जहाँ के हम घूमने आए थे गाइस। गाइस पूरी रात हो चुकी है और अभी हम पहुंचने जा रहे हैं, मतलब अपनी कमरे की गली के बाहर पहुंच चुके हैं। अभी हम देखिए पूरा अंधेरा सा हो गया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया और अभी हम पहुंच रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया था, मैं रूम से लेट चला था, मैं 5 बजे तो रूम से चला था, तो पसीना था अभी गर्म से, बिल्कुल भीग गया मैं पसीने से, इतनी गर्मी हो रही है। तो आके वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद लाइक शेयर करना ना भूले, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।